सड़क से होने वाला ऐसे है। उधर तो रखो, उधर को, इधर तो नहीं। इतना दूध देती है, इतना दूध है, कम से कम ये 2 लीटर से कम नहीं है दूध, 2 लीटर है आराम से। लेकिन ये दूध जो है थोड़ा सा नमक नमक सा होने लगा है, हो सकता है 5-6 महीने की है गाभिन गाय, तो हो सकता है इसलिए नमकीन नमकीन सा लगा। उसको छोड़ना पड़ेगा, दूध देती है 2-2.5 लीटर दे देती है 24 घंटे में एक बार, लेकिन ये है कि उसको छोड़ना पड़ेगा, नुकसान भी कर सकता है वो दूध। चलो सर्दी तो निपट गई, अब शायद गाय या तो लाना पड़ेगा, दूसरी लाना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसी को रखना है तो फिर दूध बांधना पड़ेगा। दूध बांधेंगे क्योंकि पैकेट वाला आता है 30-28 रुपए का पैकेट, 2 बार चाय बन जाती है बस खत्म हो जाता, तो इसलिए दूध या तो बांधेंगे नहीं तो फिर गाय आएगी तो ठीक है। और सुबह सुबह का टाइम है, चाय सब बन चुकी है, चाय बन चुकी है, अब खाना बनाने जा रहे हैं। खाने में मशरूम का पैकेट है 1, और आज मटर भी नहीं है तो मशरूम से तो काम नहीं चलेगा, तो या तो फिर दाल बनाएंगे नहीं तो फिर उसी में कुछ आलू 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 डालने से अच्छा नहीं लगा, दाल ही बना लेंगे और मशरूम की सब्जी। ये पैकेट लाए थे आज वाला इतना अच्छा नहीं है, उस दिन वाला बहुत अच्छा था, एकदम सफेद था मशरूम। एक दिन ये लाए थे तो बहुत सफेद था, ये आज वाला इतना सफेद नहीं है, कल लाए थे रात में और उस दिन बहुत सफेद था, क्योंकि ये डायरेक्ट जहाँ पे खेती होती है वहां से लाए थे। और मटर भी इतनी सी निकल आई है, ज्यादा नहीं है, इतनी मटर निकली है, तो इसी से देखते हैं बनाएंगे और दाल बनाएंगे। टमाटर पड़ोस से आए हैं, बहुत अच्छे टमाटर ये हैं, नहीं तो अभी मंगाना पड़ता, तो जा रहे खाना बनाने, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, कैसे हैं आप सब, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और खाना बनाने और खाने के बाद में शाम के टाइम में यहाँ आए प्लाट पर घूमने के लिए। ये पड़ोस में अंकल जी ने सब्जी लगा रखी है और सब चीज़ है, थोड़ी थोड़ी सी सब चीज़ करी है। और ये इधर देखिए, ये सहजन की फली लगी हैं, अभी पतली पतली हैं, ये होली से पहले का वीडियो है और अब हम डाल रहे हैं। और ये बाबू छोटी तो खेलने आते हैं, इधर से बेसमेंट में इधर से घुसना है, अभी सीढ़ी नहीं बनी है चढ़ने के लिए तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। और यहाँ पे ठंडा बहुत है नीचे, एक तो कच्ची ज़मीन है, कच्चे जो ज़मीन होती है उसमें ठंडा भी लगता है, और अभी फर्श नहीं बनी है नीचे, तो हम लोग ऐसे देखने आए थे। और बाबू और दीदी तो खेलते ही रहते हैं यहाँ पे, और अभी इसमें काम चालू है, आज काम बंद हो गया, आज नहीं किया, शायद पता नहीं किस लिए नहीं किया हुआ, कल से होगा काम। और हम लोग यहाँ पे अच्छा भी लगता है, रोड पे है ना तो अच्छा लगता है, सब लोग निकलते आते जाते हैं। और शाम के लिए कुछ लेने जाना है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा टहल भी आएंगे हम लोग और ले भी आएंगे, और आज ठंडा मौसम भी है, थोड़ा सा धूप नहीं निकली है। और ये डॉगी, हम लोग जा रहे थे हैं सब्जी लेने, तो सब्जी ले आए थे उसमें ऑरेंज,
और खीरा लाए, भिंडी और घुइया की सब्जी, भिंडी और घुइया अरबी जिसे बोलते हैं, ये दोनों चीज़ पसंद हैं सेजल के पापा को, तो उन्हीं की पसंद किया सब्जी ले आए। हम लोग भी खा लेते हैं, अच्छी लगती है, लेकिन भिंडी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हमें। और ये आम दीदी ने बोला उस टाइम बहुत कम आ रहा था आम, तो एक लेके आई है, बोली एक ले दो, ये खाते नहीं फिर पड़ा रहता सूख जाता, इसलिए एक ही लाए। और यहाँ पे धुल के भिंडियों को रख दिया और सुखा लेंगे थोड़ा सा, इनको सूखने के बाद में अच्छे से काट के और सब्जी अच्छी बनती है। और इधर खीरा छील लेंगे, खीरा नमक और थोड़ी सी हरी मिर्च काट के चटपटा सा बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसलिए ये खीरा काट लेंगे। और हमें थोड़ा सा मिर्ची जब काट देते हैं पतली पतली सी एकदम महीन, और थोड़ा सा नींबू और नमक, उसके बाद में खीरा बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी हो जाता है। बच्चे नहीं खा पाते मिर्ची वाला, लेकिन हम अपने में पतली पतली सी मिर्ची काट लेते हैं, और ये तोड़ के लाए हैं, पेड़ लगा है तो बहुत ही तीखी मिर्ची है, तो एक दो बहुत पतली पतली सी हैं, तो ऐसे ही काट देंगे। और थोड़ा सा नमक और नींबू, आज नींबू ख़त्म हो गया, बाबू जो है घोल के पी लेते हैं शरबत बना के, तो इस तरीके से डाल देंगे। खट्टा और नमकीन बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। और इसमें भी पतला पतला सा मिर्ची काट देंगे, एकदम महीन महीन। और नींबू डाल दिया है, नमक, और इसके बाद में हम खाएंगे। थोड़ा सा चटपटा हो जाता है, इसलिए इसका टेस्ट बढ़ जाता है नींबू और मिर्च से। और उसके बाद में सब्जी और पराठा तैयार हो गया, अब हम लोग खाना खाएंगे। यही बनी है भिंडी और पराठा। पराठा भिंडी भी पसंद है बच्चों को बहुत, और पराठा भी, तो भिंडी के साथ में बनाया, तो आप लोग भी खा लीजिए। और ये बना रहे हैं मंदिर, बाबू छोटी, ये क्या बना डाला, काहे का पहाड़, डिजाइन का पहाड़, ये पहाड़ बनाया हो, ऐसा ना हो कहीं उससे वीडियो दिखाया जाए कि तुम भी नीचे सड़क से हो, सड़क से होने वाला है। दीदी कैसे बोलते हैं, मत बनाना, इनका पहाड़ गिर गया है, अब आप लोग प्लीज हेल्प करो सब लोग बनाने में, मम्मी भी करे, दीदी भी करे, सेजल दीदी भी करे।